बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। ओहो क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो। हाँ हूँ, but it has nothing to do with you। तो फिर जिसके लिए गा रही हो उसी के पास जाके गाओ ना। मैं चंदन के लिए गा रही हूँ। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम चंदन है? I mean, so outdated। चंदन मेरे बॉयफ्रेंड का नाम नहीं, आज का हमारा टॉपिक है चंदन, मतलब सैंडलवुड। पता है सैंडलवुड का और इंडिया का बहुत पुराना कनेक्शन है। पुराना मतलब ऑलवेज इंटरेस्टिंग। अब बता बताओ क्या कनेक्शन है? हिंदू माइथोलॉजी में सैंडलवुड की बहुत इम्पोर्टेंस है, यहाँ तक कि रामायण में भी सैंडलवुड का जगह जगह जिक्र है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो टीका होता है ये भी चंदन का ही लगाया जाता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि चंदन यानी सैंडलवुड की लकड़ी खुशबूदार होती है, ठंडी होती है, इसीलिए इसी के पाउडर का टीका भी लगाया जाता है। See, I'm so knowledgeable. आई बेट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कालिदास ने 5th सेंचुरी एडी में लिखे अपने महाकाव्य मेघदूतम में सैंडलवुड को बहुत जगह मेंशन किया है। हाँ यार, मैंने तो सिर्फ कालिदास का नाम सुना था, वो भी स्कूल में। यही नहीं, वामना पुराण में भी चंदन की लकड़ी को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छा बताया गया है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से तो देवी लक्ष्मी का वास ही चंदन के पेड़ में है। क्या बात है, सैंडलवुड में कभी दीमक भी नहीं लगती, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल मंदिरों में एंशिएंट टाइम से हो रहा है। तो सबसे पहले सैंडलवुड को हम इंडियंस ने यूज किया? पॉसिबली, लेकिन इजिप्शियंस भी इसका यूज बहुत करते थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, लगभग 5000 साल पहले इजिप्शियंस ममीज को प्रिजर्व करने में सैंडलवुड का यूज करते थे। ओह माय गॉड, तब तो ये दुनिया की सबसे महंगी वुड होगी। इट्स ऑन सेकंड पोजीशन। सबसे महंगी वुड अफ्रीकन ब्लैक वुड ट्री की होती है। नॉट बैड, लेकिन ये सैंडलवुड ट्री कौन से एरिया में ज्यादा होते हैं? सैंडलवुड सदर्न इंडिया में बहुत होता है, और उस एरिया के लिए ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। इंडिया की सैंडलवुड का सारी दुनिया ने लोहा माना है। हाँ, लेकिन इंडिया के अलावा सैंडलवुड साउथ एशियन, ऑस्ट्रेलिया, हवाई और दूसरी कंट्रीज में भी थोड़ा बहुत होता है। पता है कल मैंने हब्बा खातून की लव स्टोरी देखी। 16th सेंचुरी में कश्मीर की ग्रेट पोएटेस हब्बा खातून की लव स्टोरी, वाओ। हाँ, सरसों के खेत में घूमते हुए कितनी प्यारी पोएट्री गाई है उन्होंने। वो सरसों के खेत नहीं, केसर के खेत है बुद्धू। केसर मतलब सैफ्रन। कश्मीर के पंपोर रीजन में केसर की खेती होती है। सबसे पहले मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। इंडिया में सैफ्रन की हिस्ट्री 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ सैफ्रन कैसे आया इसको लेकर कई कहानियाँ भी हैं। कैसी कहानियाँ? कुछ लोग मानते हैं कि 500 BC में पर्शिया के रूलर्स ने कश्मीर पर जीत हासिल करने के बाद इंडिया में सैफ्रन इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत सारे कश्मीरी लोग ये भी कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में कश्मीर में दो सूफी संत ख्वाजा मसूद वली और शरीफुद्दीन आए। इन संतों ने कश्मीर को केसर का बीज तोहफे में दिया। आज भी पंपोर में इन दोनों संतों की मजार है। तो कश्मीर को केसर तोहफे में मिला था। पंपोर के कुछ लोग ये भी मानते थे कि केसर सिर्फ पंपोर को तोहफे में मिला था। वो कैसे? उनका कहना था कि शूक बाबा साहिब नाम के एक संत ने दुआ मांगी कि पंपोर की मिट्टी में केसर आराम से उगने लगे, इसलिए कुदरत ने कश्मीर की मिट्टी को वो बरकत बख्श दी। ये तो तीन स्टोरीज हो गईं। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक स्टोरी कौन सी है? शूक बाबा साहिब की कहानी से लोगों का यकीन कम होने लगा जब 14th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे केसर कश्मीर के कई हिस्सों में उगने लगा। बची हुई दोनों स्टोरीज में से सबसे कन्विंसिंग स्टोरी कौन सी है? इन दोनों स्टोरीज से अलग सबसे कन्विंसिंग थ्योरी सामने रखी कश्मीर के स्कॉलर मोहम्मद यूसुफ टेंग ने। उन्होंने कहा कि केसर कश्मीर की घाटी में 2500 साल से है, और हिंदुओं के एंशिएंट रिलीजियस बुक्स में इसका मेंशन भी है। इंडिया में पुराने जमाने में केसर का टीका वेल्थ का प्रतीक था। बड़े बड़े किंग्स और बिजनेसमैन रोज केसर का टीका लगाते थे। वैसे भी सैफ्रन इतना महंगा होता था, कॉमन लोग तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते होंगे। आजकल मुझे ड्रीम्स में काजू दिखाई देते हैं। काजू मतलब कैश्यू? यस, कैश्यू। स्वीट्स में टॉपिंग्स की तरह सजे हुए कैश्यू, गर्मा गर्म दूध में तैरते हुए कैश्यू, आइसक्रीम में पलके टिमटिमाते हुए कैश्यू, बिरयानी पर नाचते हुए कैश्यू, रोस्टेड एंड स्पाइसी कैश्यू, द किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स। इस कैश्यू ड्रीम का मतलब मुझे मालूम है। तो बताइए योर हाइनेस, द प्रेजेंट डे लेडी इनकार्नेशन ऑफ लेट डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड। अकॉर्डिंग टू सम अरबिक स्कॉलर्स, ड्रीम में कैश्यू दिखना मतलब धन लाभ। धन लाभ? यू मीन इनकम, वो भी काजू से?
कैश्यू से बहुत इनकम होती है, ये तो कोई भी कैश्यू ट्रेडर बता देगा। सबसे पहले ये बताओ कि काजू को किसने और कैसे खोजा? 1563 के आसपास इंडिया में पहली बार पोर्चुगीज मिशनरी गोवा में कैश्यू के ट्री को सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए ले आए थे। मतलब उन्हें ये पता नहीं था कि काजू को खाते भी हैं। काजू को खाया भी जा सकता है, ये डिस्कवरी 18th सेंचुरी में इंडिया में ही हुई थी, जब पुर्तगाल से गोवा को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे कुछ लोगों को प्रिजन में डाला गया और वहाँ उन्होंने डिस्कवर किया कि कैश्यू नट को खाया भी जा सकता है। मगर इससे पहले लोग इसे खाते क्यों नहीं थे? काजू के छिलके की वजह से। कैश्यू नट के ऊपर एक जहरीली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसकी वजह से इसे खा नहीं सकते थे। काजू का छिलका उतारना बहुत लेंदी प्रोसेस है। उन दिनों काजू को कैश्यू एप्पल और पेड़ के तने के लिए उगाया जाता था। 17th सेंचुरी के बाद कुछ लोगों ने इसे खाना तो शुरू कर दिया मगर उतना पॉपुलर नहीं था। 1891 में ब्रिटेन की कुछ रेसिपी बुक्स में भी कैश्यू का मेंशन है मगर ये रेसिपीज भी वहाँ ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। फिर 1920 में काजू के छिलके को उतारने के लिए एक कमर्शियल प्रोसेस डेवलप हुआ और काजू मार्केट में उसी तरह मिलने लगा जैसे आजकल मिलता है, जिसे हम रेडी टू ईट कैश्यू नट भी कह सकते हैं। मतलब काजू खाने के लिए फिट और रेसिपीज में हिट नहीं था क्योंकि छिलका उतारने में पापड़ बेलने पड़ते थे। एग्जैक्टली। अमेरिकन इंडियंस अपने घर बनाने में काजू की छाल यूज करते थे, इसकी वजह से कीड़े मकोड़े उनके घर से दूर रहते थे। अगर अमेरिकन इंडियंस ने कैश्यू ट्री यूज किए तो इसका मतलब ये प्लांट कम से कम 3000 से 4000 साल पुराना है। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। Available across all devices.